डिटेक्टिव में सबसे पहले बात शबनम की, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी। अपने कामधाम और स्वभाव की वजह से वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनी हुई थी, लेकिन प्यार और दौलत में वो इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मामला साल 2008 का है, लेकिन आज 11 साल बाद लोग उस शबनम और उसके कृत्य को याद करके कांप उठते हैं। डर इतना है कि लोगों को शबनम नाम से ही नफरत हो गई है, यहां तक कि गांव का कोई भी परिवार अपने बच्चों के नाम शबनम नहीं रखता। ये रिपोर्ट देखिए। एक नाम जिससे डरता है पूरा गांव, उस नाम से कांप उठती है सबकी रूह। डर के मारे बच्चों के बदल डाले ना, गांव वालों को शबनम से लगता है डर। अमरोहा का गांव बावन खेड़ी, जहां हर तरफ सन्नाटा है, दहशत है, हर कोई यहां डरा सहमा रहता है। ये डर किसी बदमाश का नहीं है और ना ही ये डर किसी खौफनाक जानवर का है, बल्कि यहां के लोग कांपते हैं तो सिर्फ एक नाम से। जी हां, आपको ये सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये बात 16 आने सच है और वो नाम है शबनम। लेकिन ये शबनम कौन है? शबनम दिखने में बेहद खूबसूरत और चेहरे से भी मासूम लगती है, बावजूद इसके गांव वाले इस नाम से खौफ खाते हैं, नफरत करते हैं शबनम नाम से। लेकिन क्यों? इसके लिए आपको शबनम के चाचा सत्तार के पास चलना पड़ेगा। बंद कर दिया क्या? कलंक लगा हुआ है इस नाम पर, कलंक लग गया। बंसियों ने तो तुरंत ही नाम बदल दिए, शबनम नाम बदल दिए। क्यों? क्योंकि कलंक लगा हुआ है। शबनम के चाचा ने जो बताया वो बेहद डरावना था। साल 2018 और तारीख 14 और 15 अप्रैल की काली रात, उस रात को याद करके शबनम के चाचा आज भी सहम उठते हैं। ये वही काली रात थी जब शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें शबनम ने अपने 2 साल के मासूम भतीजे तक को नहीं बख्शा। संपत्ति के चक्कर में उन्होंने सब उखाड़ दी, कोई न छोड़ा, न भैया न भतीजा, कोई इच्छा नहीं। शबनम के चाचा ने उस काली रात का सच जब बताया तो ये भी बताया कि शबनम ने ये सब क्यों किया। दरअसल मामला साल 2018 यानी आज से करीब 11 साल पहले का है। उस वक्त शबनम जवान थी और उसे सलीम नाम के युवक से प्यार हो गया, और अपने प्यार और दौलत को पाने के लिए शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से काट डाला था। शबनम और उसके प्रेमी सलीम को वारदात के वक्त जरा भी दया नहीं आई और दोनों आरोपियों ने मिलकर कुल्हाड़ी से एक एक कर सबका सर कलम कर डाला। उस काली रात का मंजर इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि जिसे याद करके शबनम के चाचा आज भी सिहर उठते हैं। शबनम के चाचा के साथ साथ इस कांड से गांव के लोग भी इतना डर गए हैं कि सभी को शबनम नाम से नफरत हो गई है। नफरत के साथ साथ लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घर में बच्चों का नाम शबनम नहीं रखते। उन्हें लगता है कहीं शबनम नाम रखने से कोई दूसरी कातिल शबनम ना बन जाए। नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वो डरते हैं लोग, उसी वजह से डर रहे हैं कि हाँ ये शबनम ने कांड कर दिया, कोई और आगे शबनम ना बने। जब से रखा ही नहीं गया। हाँ, जब से ना रखा किसी ने। बावन खेड़ी गाँव के ही रहने वाले फुरकान अहमद बताते हैं कि शबनम ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया उससे यहाँ के लोगों में डर के मारे काफी बदलाव हुआ है, लिहाजा अब यहाँ कोई शबनम नाम नहीं रखता।
थोड़ा वो तो वही है, फर्क तो पड़ा ही है, थोड़े बेटी के नाम पर गलत हुआ था, उस नाम के वजह से किसी ने नाम नहीं रखा है। वही शबनम के चाचा ने बताया कि शबनम और उसके प्रेमी को उसकी करने की सजा अभी तक नहीं मिली है, जो कि बेहद शर्मनाक है। हम तो चाहना जितनी जल्दी से जल्दी फैसला होगा वो हो जावे, फांसी की सजा सुनाई भी, फांसी क्यों ना हो रही, ना हुआ सऊदी जैसा देश। भले ही घटना 11 साल पहले की हो, लेकिन घटना का दंश इतना भयानक है कि लोग आज भी शबनम नाम से डरते हैं और शबनम के नाम से नफरत करते हैं, और करे भी क्यों ना। शबनम की करनी इतनी दर्दनाक और खौफनाक जो है, आखिर कोई उसे कैसे भूल पाएगा। ऐसे में हर कोई अब यही चाहता है कि कातिल शबनम और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके बाद दोबारा कोई शबनम ऐसा न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।